बीच में हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हमारे लोकप्रिय नेता श्री भूपेश बघेल जी हैं और मैं बिना देरी के सीधा उनको निवेदन करूंगा कि वो आपको संबोधित करें आदरणीय पुनिया जी और सभी मेरे पत्रकार साथियों सभी को नमस्कार आवाज कम आ रही आपसे आप है थीक है, थीक है, थीक है। जी वो धीरे धीरे बढ़ जाएगी हाँ भाई बहुत लोग दबाने में लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में यही कोशिश हो रही है कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार को दबाया जाए बदनाम किया जाए चाहे वो राजनेता हो चाहे कार्यकर्ता हो पार्टी के पदाधिकारी हो या फिर आ, अधिकारी और कर्मचारी हो ये सिलसिला शुरू होता है जुलाई 2020 से झारखंड चुनाव में बुरी तरह से मात खाने के बाद इन लोगों ने इसकी शुरुआत की और आईटी ने रेट डाला जितने भी जिसे शराब घोटाला के नाम से प्रचारित किया गया और इस शराब घोटाले में 2019-2020 में केक की रिपोर्ट भी है वहाँ उन्होंने जांच भी की उसके बाद ढाई साल तक के वो चुप रहे चुनाव नज़दीक आते हुए जबकि सारे कागजात ईडी को सौंप दिया गया था सॉरी उसके बाद ईडी सक्रिय होती है और फिर उन्हीं लोगों को बुलाते हैं और कहा जाता है कि इक्कीस सौ अड़सठ करोड़ के घोटाले हुए इसमें ये ये भी कहा गया कि होलोग्राम नकली होलोग्राम का प्रयोग किया गया लेकिन सबसे मज़ेदार बात यह है ये नकली होलोग्राम का यदि प्रयोग हुआ तो जो डिस्टलर है वही तो करेगा उसे फैक्ट्री में तो होगा लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई बचत लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई उसके घर में ज्वेलरी भी पाए नगद रुपये भी पाए किसी को जब्त तो नहीं किया गया और कहा गया इक्कीस सौ अड़सठ करोड़ के घोटाला हुआ और चल अचल संपत्ति 2018 के पहले के भी जब्त करने के बाद भी 200 करोड़ के आसपास की संपत्ति जब्त नहीं की गई जबकि इस दौरान 2018 के बाद जब हमारी सरकार बनी उसके पहले जो रेवेन्यू है आबकारी की वो उनतालीस सौ करोड़ की थी अब बढ़ के पैंसठ सौ करोड़ हो गया और आरोप ये लगाया ईडी के द्वारा कि राज्य के खजाने को नुकसान पहुंचाया गया जबकि उनतालीस सौ करोड़ से बढ़ के पैंसठ सौ करोड़ हुआ और आज तक के वो इक्कीस सौ अड़सठ करोड़ में से केवल दो सौ करोड़ के आसपास वो भी पैतृक संपत्ति और 2018 से पहले अर्जित की गई आय उसको जोड़कर भी 200 करोड़ नहीं पहुंचा। दूसरी बात कोल स्केम का आरोप लगाया 500 सौ करोड़ का एफ आई आर दर्ज हुआ कर्नाटक में फिर दर्ज हो गया भोपाल में अभी नोएडा में भी हुआ और उसके बाद चार बार वो सप्लीमेंट्री चालान प्रस्तुत कर चुके हैं और सब मिला के अचल अच्छा, चल अचल अच्छा, संपत्ति सब मिला के अभी तक डेढ़ सौ करोड़ पहुंचा है आरोप 500 सौ करोड़ का है लेकिन सपत, संपत्ति डेढ़ सौ करोड़ वो बता ही नहीं पा रहे तीसरी बात उसमें महत्वपूर्ण अभी लगातार जो कोशिश की जा रही है कि धान में भी पेड़ी में भी स्केम हुआ सारे राइस मिल में छापा डाले गए आई के द्वारा अब ईडी सीरीज घुसी तकलीफ उनको यह है कि किसानों के 107 लाख मीट्रिक टन जो धान है वो मिलिंग कैसे हो गया अभी तक होता यह था कि धान बाहर में पड़े रहते थे जैसे मध्य प्रदेश की खबरें आती है कि गेहूं बाहर में खड़ा पड़ा हुआ है और सड़ गया छत्तीसगढ़ में खबरें आती थी कि धान खुले में पड़ा हुआ है भीग गया सूख गया और सड़ गया सारे नुकसान हमने बचाए उनको हो गई परेशानी अब उसमें घुसे हुए अभी डीएमएफ में भी मजेदार बात यह है कि भारत सरकार के द्वारा बिना कोई इसे के वो माइनिंग डायरेक्टर को चिट्ठी लिखते हैं कि कितना काम हुआ वो हमको बताएं उसी प्रकार से एक सवाल रजिस्ट्रार को भी किया जाता है कि कितने जमीन के रजिस्ट्री इन तीन चार सालों में जब से हमारी सरकार बनी है 18-19 के बाद कितनी रजिस्ट्रियां हुई हैं इसका मतलब है वो सारे रजिस्ट्री लाएंगे और सबको अभी कम कर क्या रहे हैं कर ये रहे हैं कि ये घरों में जाते हैं सबसे पहले मोबाइल जब्त करते हैं फिर घर में जो संपत्ति है जो रुपया नगद है ज्वेलरी है उसको सीज करते हैं बैंक खाते सीज करते हैं डायरी वगैरह भी हो या कुछ कच्चे में लिखा हुआ हो सबको पकड़ते हैं पांच छह दिन तक के घर में बंधक बनाकर रखते हैं चाहे वो वृद्ध माता पिता हो बीमार हो उनसे उनसे कोई लेना देना नहीं बैठे रहेंगे तो सवाल तो इनके पास होते नहीं और जब तक के ऊपर से आदेश नहीं होगा तब तक खाली नहीं करते राजनीतिक सवाल करना शुरू करते हैं तुम्हारी क्या भूमिका है तुम किस पार्टी से हो तुम कितने सीट जीतने वाले हो इससे क्या होगा उससे क्या होगा वो सारे राजनीतिक सवाल भी पूछना शुरू करते हैं ऐसे ऐसे केस हैं जिसमें ईसीआईआर नंबर नहीं है और उनके घरों में ये लोग पहुंच के प्रताड़ित करने बदनाम करने की कोशिश अभी जो हमारा राष्ट्रीय महाधिवेशन हुआ छत्तीसगढ़ में बहुत सारे पत्रकार साथी वहाँ गए भी थे और ईडी के अधिकारी हमारे पार्टी पदा के पदाधिकारियों के यहाँ बिना ई नंबर के वहां पहुंच गए जो कि ये नहीं कर सकते नहीं करना चाहिए वो तो जो वेंडर है उसके यहाँ पहुंच गए अभी कल ही मेरे राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के यहाँ पहुंच गए मेरे जो ओसडी है जो चूंकि मुख्यमंत्री होने के नाते जो क्षेत्र में ओएसडी नियुक्त करते हैं जो किसी बीमारी का किसी का और कुछ काम है जो दैनिंद्री आते हैं और हम लोग समय नहीं दे पाते तो वो सारे काम वो लोग करते हैं। उसके घर में पहुंच गए मिला कुछ नहीं दिन भर बिठा के रखे इसका मतलब ये है कि अब पाटन में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी नहीं लड़ेगा बल्कि ईडी और आईटी लड़ेंगे एक और बात आपसे कहना चाहता हूं कि पहले सी बी आई ने आई टी ने छापा डाला फिर ई डी घुसी अब वो कोर्ट में एप्लीकेशन लगाए हैं कि इसमें अब सी बी आई जाँच होनी चाहिए तीन साढ़े तीन साल जांच करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जांच जांच रोक लगाने के बाद नोएडा में एफ भी होता है और उसके बाद साथ ही वो बिलासपुर हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाते हैं कि इसकी सीबीआई जांच की जाए इसका मतलब यह है कि आईटी और ईडी दोनों अक्षम और नका नकारा हैं उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया अब सीबीआई जांच उन्हीं केसों में तो कुल मिलाकर उद्देश्य यह है कि चलती हुई सरकार को किस प्रकार से बदनाम किया जाए उसे किस प्रकार से बाधित किया जाए एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक है और राजनीति के अलावा कुछ भी नहीं है हमारे गृह मंत्री जी जाते हैं यहां से दो दो बार गए वो सीधा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जाते हैं वहीं रात रुकते हैं पता नहीं रख, क्या करते हैं और चले आते हैं तो कुल मिला के आप प्रजातांत्रिक ढंग से चुनाव नहीं लड़ना चाहते आप ईडी और आईटी के माध्यम से लोगों को डरा के धमका के उसके कार्य को बाधित करके उसको प्रताड़ित करें और ईडी जो है वो कितने लोगों को मारपीट कर रहे हैं कितने लोग धमका रहे हैं आप इस पेपर में दस्त करो नहीं तो आपको जेल भेज देंगे रात रात भर मतलब चालीस चालीस पैंतालीस पैंतालीस घंटा लोगों को सोने नहीं दिए रात को दस ग्यारह बजे के बाद आपको पूछताछ करने का अधिकार नहीं लेकिन यदि आप ईडी ऑफिस के आप फुटेज निकालेंगे, तो सारे जो पूछताछ है वो ग्यारह बजे के बाद शुरू होती अमानवीय तरीके से निरंकुश हो चुके हैं जितने ये लोग संशोधन किए तो बेतहासा उनको अधिकार मिला हुआ है और जमानत तो किसी को होना नहीं है आठ पंद्रह दिन हफ्ते महीने दिन की बात नहीं आप सालों पड़े रहिए कोई जमानत उमानत होना नहीं तो डर यही है डर ये बताते हैं कि आप हम जो कह रहे हैं उस जो पेपर लिख के लाए हैं उसमें दस्खत करो हस्ताक्षर करो और नहीं तो आप जेल जाओगे और जेल जाने के बाद आपको जमानत नहीं मिलेगी ये स्थिति छत्तीसगढ़ में और इतने कम से कम उस छोटे से राज्य में 200 से अधिक आईटी और ईडी डीआरआई करके छापे पड़ चुके हैं तो आज पूरे भय का माहौल है केंद्र सरकार खुद इस प्रकार से काम करवा रही है संजय मिश्रा जी के बारे में जानते ही हैं उनको टास्क मिला हुआ है पंद्रह सितंबर तक के अभी तब कल तेईस अगस्त था अभी तो पंद्रह बीस दिन और बचे हैं तो जितना वो उनको आतंक फैलाना है वो पूरी ताकत के साथ करेंगे क्योंकि उनके आकाओं ने एक्सटेंशन दी है तो वो अपने आका के हिसाब से काम करेंगे क्योंकि उन्होंने दिलाया आगे भी कुछ मिलने की संभावना है तो ऐसे व्यक्ति यदि काम करेंगे ऐसे इस उद्देश्य से काम करेंगे तो फिर प्रजातंत्र तो खतरे में है दूसरी बात इसमें कहना चाहता हूं यदि सत्ताधारी दल इस प्रकार से कोई कार्रवाई करे तो फिर कोर्ट की बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि ऐसे बेजा जो हस्तक्षेप किया जा रहा है और लोगों को परेशान किया जा रहा है उसमें रोक लगाए आप लोगों को तरफ से कोई सवाल हो देखिए हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जो नीति बनाई भारतीय जनता पार्टी ने बनाई हमने तो उसमें कोई बदलाव नहीं किया और उसके बाद रेवेन्यू भी बढ़ाया फिर भी छापा डाल रहे हैं सबसे बड़ी बात यह है कोयला घोटाला और शराब घोटाला और अभी महादेव एप उसके बारे में नहीं बोल पाया नहीं। तीनों में एक समानता यह है कि शराब घोटाले में डिस्टलरों की गिरफ्तारी नहीं हुई उसके पकड़ को धर नहीं किया गया उसकी संपत्ति की जब्ती नहीं की गई बल्कि यह सुनने में आया है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के द्वारा दिल्ली और बॉम्बे के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से संपर्क किया गया और उनके बाद उसके अभय मिलने के बाद उसको उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई नंबर एक दूसरी बात जो महादेव ऐप में अभी जो सट्टा चल रहा है उसमें हमने पूरी कार्रवाई की मेरे पास सारे पेपर हैं कि कितने करोड़ रुपए की संपत्ति हमने जब्त की कितने लोगों की गिरफ्तारी की और कब से हम लोग कर रहे हैं अचानक घुसे और जो राजनीतिक उद्देश्य के लिए वो लोग कार्रवाई करना शुरू कर दी जो महादेव ऐप के हमने तो लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर, किया हुआ है उसमें कोई मदद नहीं कर रहे हैं मतलब जो जिसके लिए काम हो रहा है उसकी गिरफ्तारी की बात नहीं हो रही कोयला खदान में जिसके लिए कोयला जो कोयला खदान चला रहा है उससे पूछताछ नहीं हुई जबकि चीख-चीख के कह रहा है कि मैं इसके लिए काम करता था शराब घोटाले में भी तीनों में एक समानता है जो मुख्य आरोपी है जिसके लिए जो सबसे लाभार्थी है सबसे बड़ा उसके खिलाफ ई कोई कार्रवाई नहीं कर रही यही स्थिति है संजीव संजीव बघेल साहब बघेल साहब जैसे महादेव के बारे में मैंने बताया कि जो व्यक्ति और उसमें रवि उपल है और सौरभ चंद्राकर दोनों दुबई में हैं तो हमने मदद मांगी है उसमें कोई कार्रवाई नहीं दूसरी बात यह है कि शराब के मामले में हम लगातार कर रहे हैं कि आप इनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं हम पत्र भी लिख रहे हैं और मजेदार बात यह है कि चीट फंड घोटाला हुआ उसमें मैंने भारत सरकार को चिट्ठी लिखा भाई हजारों करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के लोगों को पैसा डूब गया है हम लोग हमारी सीमित दायरा है मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है दूसरे राज्यों में संपत्ति बनाई गई है उसका आप उसके लिए आप मदद करें तो आज तक के कोई जवाब नहीं आया है ये तो भारत सरकार का रवैया इस प्रकार से संजीव बघेल साहब संजीव पीटे आपने कहा कि ये सारे जो रेट्स हो रहे हैं आपके करीबी लोगों के आपके आसपास के लोगों के ये सब इनका उद्देश्य राजनीतिक है और आपने अभी ये भी कहा कि ऐसे में जैसे यू नो देर इज अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी तो आपने कहा कि कोर्ट को भी हस्तक्षेप करना चाहिए तो क्या आप इस लड़ाई को कैसे आगे ले जाएंगे और कोर्ट भी क्या जाएंगे देखिए सभी राजनीतिक दल एक बार गए तो उन्हें कहा गया कि हम सबको रिलीफ नहीं दे सकते यदि केस टू केस कोई आए तो उसको रिलीफ मिलेगा और निश्चित रूप से जैसे अभी जो लिकर वाले मामले में कोर्ट से रिलीफ भी मिला कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते उसके बाद भी ईडी ने खुद एक एजेंसी है और वो एफ की किया है नोएडा में तो कितना इनका मेला फाइट इंटरेस्ट है वो समझ आ रहा है सर मेरा 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 सवाल यह है कि कल आपका जन्मदिन था और जे. आपने एक ट्वीट किया कि बड़ा बहुमूल्य उपहार मुझे केंद्र सरकार ने दिया है नाम लीजिए मैं तो नाम लिखाऊ हाँ आपने अमित शाह जी का नाम लिया था उसमें कि बहुमूल्य उपहार आपको मिला है मोहित जी आप भी नाम नहीं ले पा रहे हैं नहीं नहीं हम तो बिल्कुल नहीं डरते किसी से मैंने तो प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को कहा कि आज मेरा जन्मदिन है और मेरे राजनीतिक सलाहकार और मेरे दो इषी के यहाँ आपने ईडी का रेड कराया है इससे बढ़िया उपहार क्या हो सकता है उसके लिए मैंने आप आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ तो मेरा सवाल जी मेरा सवाल यह है मेरा सवाल यह है कि आपने कहा कि 200 से ज्यादा छापे छत्तीसगढ़ के भीतर जो है पड़ चुके हैं आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव है एक से दो महीने के बाद चुनाव वहां पे होने वाले हैं चुनाव प्रक्रिया और चुनाव के ऊपर कितना बड़ा असर देखते हैं खासतौर पे कांग्रेस के लिए इन छापों के बाद देखिए इस अभी मैं आपको और बता देता हूँ कि दो ढाई की टीम जाने वाली आई की वो पूरी छत्तीसगढ़ में छापा डालेगी तो ईडी आती ईडी आती है तो आईटी जाती है आईटी जाती है तो ईडी आती है हमारे यही क्रम चल रहा है और वही वही काम कर रहे हैं मार पीट के जैसे कहते हैं ना बंदर को बोरे में पकड़ लिया उसे पीट रहे हैं बोल तो कुत्ता है तो हमारे यहाँ स्थिति जबरदस्ती मार पीट के लिखवा रहे हैं कि हाँ तुमने ये गलत किया है और तुमने इसको इसको पैसा दिया है लिखो इस राजनेता को दिया हो इस अधिकारी को दिया हो इसको नाम लो यही चल रहा है और ये बात छत्तीसगढ़ के लोग सब जान चुके हैं कि जितना ये रेट डालेंगे उसकी सीट और घटेगी वैसे पंद्रह सीट है अभी तो वर्तमान में तेरह ही सीट बची है और ऐसे करते रहेंगे तो तेरह सीट भी मुश्किल होगा बघेल साहब उसमें पूरे प्रकरण मेरे पास पूरे केस हैं मैं आपको कापी दे दूंगा कि हमने क्या क्या कार्रवाई की और उसके बाद हमने खुद ही कहा इसमें जांच करें लेकिन वो सीधा जो मुख्य आरोपी हैं जो मुख्य खिलाड़ी हैं जो ऐप चला रहे हैं वैसे भारत सरकार करे क्या अट्ठाईस परसेंट जी दे दें फिर सब लीगल क्योंकि वो क्रिकेट में भी कर रहे हैं और सब में वो सब बैठकर आ रहे हैं तो उनको पकड़ने के बजाय केवल राजनीतिक जिससे लाभ मिल सके भारतीय जनता पार्टी को उन पे आप कार्रवाई कर रहे हैं आपका उद्देश्य जनता के पैसा बचाना नहीं है आपका उद्देश्य यह है कि अपने आका को खुश करने के लिए राजनीतिक द्वेश कार्रवाई करना है सर मेरा सवाल है, बात जो सवाल है, कि कर है। जी हमारे यहाँ 200 घरों में छापा पड़ गया है और दर्जनों लोग को जेल में ठूसने कार्रवाई कर दें इसमें इमोशनल क्या बात है ये तो सच्चाई है मर, मेरे जो खनिज विकास निगम का अध्यक्ष है बिना ई e नंबर के दिन भर बैठे रहे उसके घर में सन्नी अग्रवाल जो सनिर्माण कर्मकार मंडल का अध्यक्ष है बिना ई e नंबर के आप दो दिन तक के बैठे रहे उसके भतीजे के साथ मारपीट किए तो ये नहीं लगता कि बिना अपराध के आप किसी घर में घुस रहे हैं बिना ऐसे के आप माइनिंग डायरेक्टर को बोलते हैं कि कितने आप डीएमएफ में काम हुए उसकी जानकारी दो आप जो रजिस्ट्री ऑफिस उसमें आप कर रहे हैं कि पूरे पूरे प्रदेश में जितनी रजिस्ट्रियां हुई है उसके हमको कॉपी दो किस तहत मांग रहे हैं आप यदि केस कोई पर्टिकुलर केस है इस केस से संबंधित इन व्यक्तियों के द्वारा कितने अर्जित की गई कितनी रजिस्ट्री की गई यदि ये मांगते तो समझ आता कि ये सही तरीका है लेकिन पूरे प्रदेश में चाहे कोई भी खरीदे हो उसकी संपत्ति जानकारी मांगो तो आपका इंटरेस्ट नहीं है सर सर मेरा सवाल है जी। सर आपके ओ आपके ओएसडी से लेके सलाहकार सब ईडी की चपेट में आ रहे तो क्या अगला नंबर भूपेश बघेल का है और अगर ऐसी परिस्थिति पैदा होती है तो क्या आपको लगता है अगर ये सियासी साजिशें हैं तो उसके सियासी मायने क्या होंगे चुनावों में देखिए हम लोग ना छत्तीसगढ़ के लोग हैं मरने से नहीं डरते न जेल जाने से डरते नक्सलियों ने इतना मारा है लोगों को हमारे प्रथम पंक्ति के सारे नेता शहीद हो गए और इन्हीं काल में हुआ है तो हम लोग मरने से भी घबराते नहीं न, न, न लड़ने से न, डरते हैं और जेल तो पहले भी भेज चुका है विनोद वर्मा जी पहले भी भेज चुके हैं अभी फिर से उसके घर में कल दिन भर बैठे रहे मुझे भी भेज के देख चुके रमन सिंह ने भेजा था पंद्रह साल की सरकार पंद्रह सीट में सिमट गई दूसरे के तो देख ले हम लोग जेल वेल जाने से डरते नहीं है आ, बहुत बढ़िया सवाल आपने किया जेरम मामले सच इसलिए सवाल नहीं आया है कि एनआईए हमको जांच करने नहीं दे भारत सरकार गृह मंत्री सबको हमने पत्र लिखा आई के हेड को भी चिट्ठी लिखा कि भाई आप जांच कर चुके तो हमको दे दो हम जांच करेंगे यदि हम कमिटी उसमें इस एस गठन करते हैं तो हाई कोर्ट चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और एक एक बार नहीं दो दो बार तो आखिर किसको बचाना चाहती भारत सरकार कौन षड्यंत्री है कौन आरोपी है कौन अपराधी है किसको बचाना चाहती भारत सरकार जो हमको जांच करने नहीं दे रही सर आने वाले दिनों में चुनाव आने वाले हैं ये जो कार्रवाई हो रही है क्या ये आपका मुख्य मुद्दा होगा चुनाव में जाने का इसको लेकर के क्या आप लोग रणनीति बना रहे हैं और एक चीज इसमें भी पूछना चाहूंगा आपने खुद कोयला घोटाला शराब घोटाला क्या आप मानते हैं आप भी मानते हैं कि ये घोटाले हुए हैं और अगर हाँ तो खुद आपकी सरकार ने इनकी जांच करवाने के लिए क्या कदम उठाए देखिए जहां तक के कोयला की बात है जितने कोल वास है सब जगह हमने रेट डाले जो आवश्यक कार्रवाई हमने की जितना फाइन हो सकता है हमने किया और जिसके सही पाएगा उसको रिलीज भी किए पहली बार हुआ है भारतीय जनता पार्टी बता दे पंद्रह साल में कुछ किया हो तो दूसरी बात यह है, मैंने कहा आप मेरे उत्तर को ठीक से सुना नहीं है कोयला घोटाले में जिसके लिए वो काम करते थे उसके बारे में लिख के भी दिया वो काफी है मेरे पास लेकिन आज तक उसे पूछा नहीं गया है क्योंकि मैं नाम बताऊंगा तो छपे में भी नहीं मैं जानता हूं इसलिए केवल इतना ही बोल रहा हूं सर दिल्ली में नहीं कर सकता प्रदर्शन की जरूरत ही नहीं है जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं है मैदान में छत्तीसगढ़ में बिल्कुल नहीं है और जितने भी कार्रवाई कर रहे हैं उससे लोग चाहे उद्योगपति हो व्यापारी हो अधिकारी हो कर्मचारी हो राजनेता हो कार्यकर्ता हो ये सब भारतीय जनता पार्टी कलई खुल चुकी है ये जितना करेंगे उतना उनको नुकसान होगा सर बघेल सर आप कह रहे हैं कि ईडी और आईटी चुनाव लड़ रही है बीजेपी उनको आगे कर रही है लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे कि वो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे चुनाव मैदान में उतर रहे हैं तो खिलाफ कौन चेहरा है वहां भाई अरुण साहु जी के बयान आप देखेंगे अब मोदी जी की बात नहीं करते वो बुलडोजर की बात करते हैं योगी जी की तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को विश्वास नहीं है मोदी जी की लोकप्रियता पर अब वो योगी जी के सामने कर रहे हैं मध्यप्रदेश में देखिए बुलडोजर चला रहे हैं अरुण साहू जी वहाँ प्रदेश अध्यक्ष वो कहते हैं हम बुलडोजर चलाएंगे मतलब मोदी जी के लोकप्रियता पर उनको अविश्वास रहा नहीं और मोदी जी के लोकप्रियता पर इतना विश्वास है तो ई डी क्यों भेज रहे हैं भाई प्रजातांत्रिक ढंग से चुनाव होने दो सबसे बड़ी बात यह है आप सही कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में उनको आना नहीं है पहले भी हमारे इकहत्तर सीट हैं उनके पास नौ सीट हैं वो दरअसल बात यह है कि वहां के खदान पे उनके मित्रों की नजर है और जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार है उसके बीच में है और इस कारण से अपने मित्रों को लाभ नहीं पहुंचा पा रहे हैं इस कारण से ईडी आई टी का छापा लगातार पड़ रहा है बघेल साहब आपने कहा कि चुनाव ईडी और सीबीआई लड़ रहे हैं नहीं सीबीआई नहीं है हमने दोस्तों बैंक आई टी आई हाँ आई ठीक है लगातार बीजेपी चाहे इंडिया गठबंधन की बात हो किसी भी राज्य में जाती है तो सबसे पहले कहती है कि कांग्रेस या विरोधी पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा बताए तो वहां पर क्या आपको लगता है कि रमन सिंह चेहरा होंगे या ईडी चेहरा होगी या प्रधानमंत्री मोदी चेहरा होंगे या अमित शाह चेहरा होंगे किसके लिए चुनौती आप देख रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी खुद कंफ्यूज है मैंने पहले बताया नाम तो प्रधानमंत्री जी के ले रहे हैं लेकिन कार्य बता रहे हैं योगी जी का अब मोदी जी चेहरा होंगे कि योगी जी चेहरा होंगे फिर तीसरा कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के लोग तो घर बैठे हैं अभी चुनाव आए माथुर साहब थोड़ा सा गए थोड़ा सा हंटर उंटर चलाए तो थोड़ा बहुत दिख रहे हैं अन्यथा आई टी तीन साढ़े तीन साल से सक्रिय बॉस सर आपने बघेल साहब आपने कहा कि उनके मित्रों को फायदा नहीं हो रहा है तो क्या आपका इशारा गौतम अडानी की तरफ है जो आप कह रहे हैं कि उनको नाम आप ले, ले आप लूंगा काम, तो काम छापेगा बहुत सवाल सर क्या आप पर्याप्त आप उनको काम नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि बिल्कुल सही बात है मेरे पास वो भी लिस्ट है कि किन किन खदानों देख भारत जब रमन सिंह मुख्यमंत्री थे तो जितनी खदानी राज्य सरकारों के लाट की गई चाहे महाराष्ट्र हो गुजरात हो छत्तीसगढ़ हो चाहे राजस्थान हो वो सब के एमडीओ वही थे जो आयरन ओर है बेलाडीला का वो भी उसके एमडीओ वही है अब वो हम बीच में हम लोग आ गए हैं हाँ जी मुझे कोई मुझे तकलीफ नहीं है नाम लेने का मैं सबका नाम ले दूंगा लेकिन ये है मैं कल अखबार देखूंगा या टेलीविजन चैनल चे, देखूंगा उसमें पट्टी में नाम नाम नहीं नहीं आएगा तो इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा बघेल साहब बघेल साहब चुनाव की तैयारी छत्तीसगढ़ में चल रही है आपने ये तो कह दिया कि ये जो आरोप लगे हैं और जिस तरीके से जांच पड़ताल चल रही है ये राजनीतिक विदेश की भावना है लेकिन राजनीतिक चुनौती की बात करें वहां पर चुनाव आयोग की टीम गई हुई है इसके अलावा दूसरी तरफ देखें तो आम आदमी पार्टी जो इंडिया गठजोड़ में शामिल थी लेकिन कुछ खटास बढ़ी है और उससे पहले उन्होंने भी वहाँ पर छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है तो मुकाबला अगर त्रिकोणीय होता है तो कांग्रेस के लिए क्या चुनौती होगी बढ़िया है केजरीवाल जी मीडियम कैसे बने रहना है उसके तरीका जान गए हैं भैया ये इंडिया जो गठबंधन है मैं समझता हूँ 2024 के लिए है ये विधानसभा चुनाव के लिए तो कम से कम नहीं है ऐसा मुझे मालूम है यदि विधानसभा चुनाव के लिए यदि इंडिया गठबंधन है तो मुझे अभी तक ये संकेत मेरे पार्टी से मिल जाता तो ये नहीं मिला है लेकिन केजरीवाल जी को मीडियम बने रहना है तो ये अच्छा तरीका है वहां जाके दर्ष घोषणा घोषणा कर कुर आ गए हैं पिछले समय जोगी जी चादी सड़क बनाने की बात बोले थे सर ये भी कुछ करके आ जाए सर आपका मुख्य आरोप ये आपका आरोप ये है कि मुख्य आरोप पर आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हो रही घोटाले तो हुए हैं यही घोटाले ये भी कपोल भाई लीकर में आप बता दीजिए लिकर में लिकर में डिस्टिलरी पर यदि है। सुनो तो लॉकडाउन भी था और सीएजी का दो साल का रिपोर्ट भी है दो हजार उन्नीस बीस और बीस इक्कीस का सीएजी की रिपोर्ट भी है उसमें कहीं गलत नहीं पाया गया तो यदि घोटाला हुआ है तो सबसे पहले डिस्टिलर को पकड़ना था जिनको बचाया जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि मिली भगत और दबाव पूरा के किया जा रहा है दूसरा कोयला की बात कोयला के बारे में जब आपने पूछा कोयला में घोटाला हुआ है तो छत्तीसगढ़ के पचासी परसेंट जो कोयला खदान है वो एसीएल के पास है मतलब भारत सरकार के जो उपक्रम है उसके पास है एक भी अधिकारी पूछा गया क्या उसके सुरक्षा अधिकारी हैं यदि कोयला चोरी हुआ है वसूली की गई है तो उसके अधिकारी है है ना सिक्योरिटी है ना वहां वहां अधिकारी है उससे क्यों पूछता नहीं कैसे चोरी कोयला चोरी हो गया और कैसे यहां से वो, पैसा वसूली किया जा रहा है किसी से पूछा है नहीं पूछा है तो फिर घोटाला कहां से हो गया और जो सारी संपत्तियां चीख चीख के कर रही है सारे संपत्ति को चार बार आप सप्लीमेंट्री चालान प्रस्तुत कर चुके हैं भी डेढ़ करोड़ नहीं हो रहा है तो इसलिए सरकार को बदनाम करने को घोटाला वोटाला हुआ नहीं है जैसे रायपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महादिवेशन हुआ बहुत सारे पत्रकार मित्र भी गए थे हिंदुस्तान भर के हमारे डेलीगेट आए थे पीसीसी एआईसीसी डेलीगेट उसी दिन रेड डाला गया और बिना ईसीआईआर आर नंबर समझ रही ना बिना ईसीआईआर आर के मैं नाम भी ले रहा हूँ गिरीश देवांगन जो पूरा व्यवस्था देख रहे थे सन्नी अग्रवाल व्यवस्था देख रहे थे उस अग्रवाल गोपाल अग्रवाल देख रहे घर छापा डाला गया तो आपका उद्देश्य क्या था महा अधिवेशन को असफल करना चाहते थे ठीक है ना विनोद वर्मा जी मेरे राजनीतिक सलाहकार है राजनीतिक कामों को देखते हैं कार्यकर्ताओं प्रशिक्षण देने का काम करते हैं पूरी रणनीति भी बनाते हैं सब हो रहा है यदि विनोद वर्मा को डिस्टर्ब करोगे तो हमारे सारे कार्यक्रम डिस्टर्ब होंगे तो है ही इनडायरेक्ट क्या वो तो पूछ ही लिए आपको गिरफ्तार करेंगे मामले का आ जा भाई साहब आदर कौन रोक सकता है बघेल साहब बघेल साहब आपने कहा 200 रेड हुई छत्तीसगढ़ में अभी तक इसमें से भारतीय जनता पार्टी के कितने लोग हैं इन 200 में खोज एक भी नहीं दोस्त पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा यही तकलीफ है कि ये ईडी वाले कैसे जानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के नहीं है और मजेदार बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले बयान देते हैं और वैसी कार्रवाई होती है और उसका जो प्रेस विज्ञप्ति है वो भी वही शब्द भी आगे पीछे नहीं होता ऐसी विज्ञप्ति निकलती है ठीक है चलिए जी जी नहीं हाँ मैं अकेले नहीं हुए मेरे साथ मेरी पूरी पार्टी है जैसे कार्रवाई हुई कल देख लिए कैसे गोपाल से लेकर सारे नेताओं को ट्वीट आया सबकी फोन हुई राहुल जी से मेरी बात हुई प्रियंका जी से मेरी बात हुई सब लोगों ने कहा अकेले पर नहीं पड़ी और भाई ऐसा है जब हम उसको प्लेटफॉर्म में उस जब डिमांड करेंगे तो समर्थन नहीं देंगे तब ये सवाल उठेगा अभी तो हम लड़ ही रहे ना ठीक थैंक यू मुख्यमंत्री जी का अंतिम सवाल है जिस तरह से आपने कल प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कहा कि मुझे बर्थडे का गिफ्ट दिया गया है आप रिटर्न गिफ्ट में उन्हें क्या देंगे और कब देंगे हाँ बिल्कुल नवंबर के जब रिजल्ट आएगा है ना तो उसमें पचहत्तर प्लस देंगे आखिर आते हैं दिन भर की बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी है